और देखिए अब आपको बता दें कि मौसम में तब्दीली की वजह से डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्वालियर में भी मौसम में आई तब्दीली के बाद डेंगू के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 68 सैंपल की जांच में 29 मरीज डेंगू के मिले हैं। इनमें 15 ग्वालियर और 14 अन्य जिलों के हैं। दीपावली पर आतिशबाजी के धुआं ने मच्छरों के प्रकोप पर नियंत्रण लगाया था, वहीं पानी के बौछार ने एक बार फिर से डेंगू के खतरे को बढ़ा दिया है। बारिश का पानी जहां भी जमा होगा वहां पर डेंगू का लार्वा मुसीबत खड़ी करेगा। ऐसे में बारिश की वजह से आने वाले समय में डेंगू की रफ्तार बढ़ सकती है, क्योंकि दो दिनों तक बारिश होने की संभावना बताई गई है। ग्वालियर के अस्पतालों में डेंगू का स्पेशल वार्ड बनाया गया है जहां पर मरीजों को भर्ती किया गया है। हमारे पास भी आ रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने करके रखी हुई हैं। जो भी मरीज आता है बाकायदा उसकी जांच हो रही है, जांच होने के उपरांत जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट तो आते ही उसका शुरू हो जाता है। किसी भी तरह की कोई प्लाज्मा प्लेटलेट्स या ब्लड की कोई कमी हमारे पास है नहीं। 2000 के ऊपर मरीज यहाँ भर्ती रहते हैं तो मेडिसिन विभाग थोड़ा सा ओवरलोडेड है, लेकिन व्यवस्था हमने की हुई है। ग्वालियर जिले के जो 15 मरीज संक्रमित बताए गए हैं उनमें 9 मरीज बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 से 15 साल के बीच में है। इससे साफ है कि डेंगू का मच्छर बच्चों को शिकार बना रहा है, इसीलिए बच्चों की देखभाल करना जरूरी है। अब तक बच्चों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है जो डेंगू के शिकार बने हैं। ग्वालियर में इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या लगभग 1100 हो चुकी है। सही समय पर उचित कदम उठाने में डेंगू बुखार से आसानी से बचाव किया जा सकता है। डेंगू से कैसे बचें ये जाने दो, मच्छरदानी का उपयोग करें, घर में या आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर में एक बूंद पानी न छोड़ें, पूरे बाजू के कपड़े पहनें, बाहर पूरे कपड़े पहन कर निकलें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, कीटनाशक और लार्वा नाशक दवाइयों का छिड़काव करें, अपने घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखने को लेकर जागरूक रहें, स्वस्थ खानपान वाली जीवन शैली अपनाएं, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। मलेरिया विभाग लगातार डेंगू के प्रति जागरूकता अभियान में भी जुटा हुआ है और इसका सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से डेंगू समाप्त होने में वक्त लग सकता है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8।